यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। रंका प्रखंड की खपरू पंचायत अंतर्गत सोनपुरवा गांव में निर्निर्मल योजना हाथी का दांत साबित हुआ। इस चिलचिलाती धूप में लोग जहां पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं यह योजना महज एक मजाक बनकर रह गई। पानी की समस्या से निजात के लिए सरकार की ओर से गांव में निर्निर्मल योजना की शुरुआत की गई थी। करीब 29,12,000 रुपए की योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका। 130 लोगों से कनेक्शन के नाम पर 400-400 रुपए लिए गए। वैसे में अब 2 साल होने जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि धन भी हाथ से गए और अरमान भी धरे के धरे रह गए। ठेकेदारों पर ग्रामीणों ने ठगी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच की मांग भी की है। जो बोर हुआ था इसमें हम लोग जानता बहुत खुश हुए इसमें कि ताकि हम लोग के पानी भी अच्छा निकला, इसमें पानी भी निकला। फूटीबाजी से बनाए इसको, सब लोग गाँव मिल करके इसको बनवाए अच्छी ढंग से, लेकिन पाइप सेटिंग नहीं होने के कारण देखिए पानी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिसमें 130 आदमी का कनेक्शन पैसा जमा हुआ है। इसमें मोबाइल तरफ कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है, घर में पानी अभी तक नहीं मिला है। कोबार पाइप नहीं लगा है, पाइपे नहीं गड़ा अंदर। इसके लिए विभाग के पास हम लोग सूचना किए हैं? सूचना तो नहीं किए हैं, आए थे साहब लोग देखा के गए। कितने सब पाइप लीक करके ले गए हैं, इतना पाइप लगा। यहाँ के मुखिया के हैं? मुखिया है जफर अली, सब लोग हैं। तो आप लोग मैंने कहा चाहते हैं? हम लोग पाइप चाहिए। हम लोग 130 आदमी पैसा दिए हैं, इसमें हम लोग के कनेक्शन घर घर 450 रुपये दिए हैं। घर घर हम लोग कनेक्शन चाहिए।